नताशा हुई धवल से नाराज। क्या धवल मना पाएंगे इस बार नताशा को? शो में हमें हर दिन न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार क्या वजह है कि नताशा धवल से हो गई है खफा खफा? क्या गलती कर बैठे हैं धवल? तो नताशा, सबसे पहले तो क्या कहेंगे आज, किस बात पे आज, और क्या हो रहा है आपके और धवल के बीच में? क्या डिस्कशन चालू है वहाँ पर और किस बात पे आप नाराज हो गई हैं? एक्चुअली अभी तो एक थोड़ा सा ऐसे डिल्यूजनल सीन था, क्योंकि नताशा और धवल को दोनों को ही ऐसे फ्लैशेस आ रहे हैं एकदम से, कि नताशा आ रही है और वो ऐसे टॉन्ट मार के जा रही है, धवल आ रहा है वो टॉन्ट मार के जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली नताशा और धवल ना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, और अभी वो एक दूसरे से अलग है तो उनको कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है कि सपने में भी, इमेजिनेशन में भी वो दोनों एक दूसरे को इमेजिन कर रहे हैं। तो अभी यही सब चल रहा है। ऑफ कोर्स इमेजिनेशन भी उनका कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, ये नोकझोंक कि तुम भी तो झूठी हो, मैं भी तो झूठा हूँ, ऐसे ऐसे करके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो काफ़ी एंटरटेनिंग है। ऑफकोर्स जब तक मेरी गलती नहीं है मैं सॉरी क्यों बोलूँगी? धवल मकवाना की गलती है और वही अपोलोजाइज करेगा मुझसे। एक्चुअली मेरा तो एकदम से फ्लैश था, इमेजिनेशन थी कि ऐसे एज सच हमारी इन पर्सन धवल और मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, बट इन माई फ्लैश वो आके मुझे टॉन्ट करे थे कि नताशा तुम तो बड़ा ऐसे सच्चाई की मूर्ति बन रही थी कि सच बोलूँगी, और दामा से तुमने झूठ बोला कि हमारे बीच में कोई ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं हुआ है एंड वी आर टोटली फाइन, तुम भी तो झूठी हो। बट ऑफकोर्स मेरी दामा के लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला भी घोट सकती हूँ, मैंने उसे ऐसा बोला कि मैं अपने स्वाभिमान का गला घोट सकती हूँ, तो ऑफकोर्स इट डजेंट मैटर।